हेलो एवरीवन, इमरामा टैरो पे वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। 2024 आ चुका है गाइस, स्टार्ट हो गया है नया साल हमारा। और मैं प्रे करती हूँ, विश करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि आपकी जो ये साल है ये खुशियों से भरा जाए, पीसफुल सुकून, आपकी हेल्थ वेल्थ अपॉर्चुनिटीज आपके आपके फैमिली मेंबर्स के लिए सबके लिए सब बहुत बढ़िया हो इस साल, ये मैं प्रे करूंगी। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं कि ये जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of Jan टू 15th of Jan। आइए यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, 6 टू 15 जैन, क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। दो सन, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब देखिए स्कॉर्पियो, वन सेकेंड। अब हमारे पास है दो सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट 10 डेज में यूनिवर्स बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम थी भी पहले तो वो चीज खत्म होने वाली है। ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप काफी हैप्पी रहोगे, काफी सेटिस्फाइड रहोगे। जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो जॉब है, जो चीज आ रही है, जॉब आ रही है या ऑलरेडी है, रिलेशनशिप आ रहा है या ऑलरेडी है, आई थिंक आप बहुत सेटिस्फाइड और बहुत फुलफिल रहने वाले हो उस चीज में। लक आपको साथ देने वाला है, किसी हॉलिडे पे भी जा सकते हैं आप लोग, बट आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके सामने नेक्स्ट 10 डेज में। लक आपको फेवर करेगा, जो चीज बहुत देर से अटकी हुई थी वो चीज हो जाएगी, स्मूथली हो जाएगी। ठीक है, तो वैसी वाइब्स मुझे दिख रही है नेक्स्ट 10 डेज की। सिक्स ऑफ कप्स, किसी पुराने इंसान से आप मिल सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी है किसी पुराने फ्रेंड से, पुराने कॉलीग से, पुराने प्रोफेसर से, टीचर से, कोई रीयूनियन हो सकता है, कहीं पे आप जाएं, हो सकता है कोई ऑफिशियल रीयूनियन हो, किसी की शादी हो, वहां पे आप जाएं और वहां पे पुराने लोगों से मिलें। ठीक है, बट नॉस्टैल्जिया दिख रहा है मुझे, चाइल्डहुड मेमोरीज दिख रही है मुझे, बचपन की यादों को डिस्कस करना, बातें करना, रिसेस, लंच के बारे में, यू नो लाइक फिजिकल एजुकेशन, पीटी के बारे में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं पहले के बचपन में हमने टाइम कैसे स्पेंड किया था। ठीक है, हो सकता है बचपन के किसी प्यार से भी आप मिल रहे हो, अनोइंगली कहीं पे रास्ते में टकरा जाए। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज में अभी आप हैं, कोई सिचुएशन में, कोई जॉब में, और आप थोड़ा सा ना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़े एंशियस हैं, थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं नेक्स्ट 10 डेज में, थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं कि यार ये मैं कहाँ फंस गया, मतलब ना मैं इस चीज में रह पा रहा हूं, ना मैं इससे बाहर निकल पा रहा हूँ। हो सकता है कोई जॉब है और आपको बाहर निकलना है बट आप नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि जो इंक्रीमेंट साइकिल है वो अभी आपका, अगर आप अभी एग्जिट करते हो तो आपको इंक्रीमेंट, सॉरी, आपको आपका बोनस नहीं मिलेगा, राइट? तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट और फॉर विच एवर रीजन आप कहीं पे बहुत ज्यादा फंसे हुए हो। कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जहां से आप बाहर निकलना चाह रहे हो बट नहीं निकल पा रहे हो फॉर सम रीजन। एंड आई थिंक आपने कोई आप कुछ और बन के रह रहे हो लोगों के सामने, आप हो, लेट से अगर आप को पसंद कुछ है बट आप लोगों के सामने, क्योंकि आपको कहीं पे हैंग आउट करना है, किसी ग्रुप का पार्ट बनना है, कोई जॉब चाहिए, तो आप ऐसी चीजें पसंद करने का बता रहे हो लोगों को फोर्सफुली जो कि आपको पसंद नहीं है, लाइक ऑपोजिट बिल्कुल, सो दैट आपको कोई वो जॉब या वो सिचुएशन या वो एक सर्कमस्टेंस में आपको हेल्प हो जाए, आप आगे निकल जाओ उस चीज में, बट इन दी एंड आई थिंक आप उसमें भी फंसा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि वो आप रियल में नहीं हो, आप सिर्फ बनावटी थोड़े टाइम के लिए बन रहे थे कुछ, बिकॉज आपको कुछ चाहिए था।
टी लीफ टैरो डेक से, फॉर्च्यून कार्ड से, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 2024 6 जन टू 15 जन स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? यूनिवर्स प्लीज बताइए। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। देखिए, थोड़ा सा अपने ना हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली हड्डियों का ध्यान रखने की जरूरत है। नेक, स्पाइन, टेल बोन, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, नेक, ये आई थिंक अपर हाफ जो है ना आपकी बॉडी का, उसमें आपको थोड़ा सा बोन्स पे ध्यान देने की जरूरत है। किसी का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बोन्स रिलेटेड। पॉस्चर ठीक रखिएगा, गुड हेल्थ है बट थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलिएगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए 6 टू 15 जन। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। देखिए, फन तो है, अच्छी बात है, आप बाहर जा रहे हैं, फन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रीयूनियन हो रही है, सन है, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, बट वो चीज करिएगा जिस जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं और कोई सेट ऑफ लोग हैं, सेट ऑफ पीपल हैं जो ड्रिंक करते हैं और आपको उनके संग जबरदस्ती ड्रिंक करना पड़ रहा है और आप फिर उसके बाद फंसा हुआ महसूस करो, एंक्शियस रहो कि यार ये मैं कौन से ग्रुप में फंस गया हूं, तो वो मत करिएगा। वो चीज करिएगा एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए, जो आप लॉन्गर रन में कंटिन्यू कर सको, ठीक है? बट नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा सा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए दोस्तों के साथ, बट अगेन ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने एंजाइटी और उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जबरदस्ती कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज, ओके। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखिए, कोई भी चीज नेक्स्ट 10 डेज में अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई होने वाली होगी सिचुएशन जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, या आपको फाइनेंशियल या इमोशनल, मेंटल, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, हार्म हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअली आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हो, आपके गाइड्स हो, आपके मैसेंजर्स हो, जो भी है, बट आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, ठीक है? तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है। हमारे पास है लेटर पी, लेटर जेड, लेटर ओ, लेटर क्यू, लेटर टी। पी जेड ओ क्यू टी, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट, ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है आपको। आगे नेक्स्ट 10 डेज में आपको आगे की प्लानिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। उस प्लानिंग के हिसाब से आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको स्कॉर्पियो। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे और आप चाहेंगे कि मैंने अभी कुछ करा और अभी मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ा पेशेंटली आपको डील करना पड़ेगा, चाहे वो लव अफेयर में हो, चाहे वो रीयूनियन में हो, चाहे अगर वह आप कहीं पे ट्रैप भी फील कर रहे हैं और आप निकलना चाहते हैं, तो भी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी कि ठीक है, अपने टाइम से यहाँ से बाहर निकलेंगे। इस चीज को ज्यादा लाइक एंजाइटी और वो सब कर करके अपने ऊपर तबीयत नहीं खराब करनी अपनी, तो वो चीज है, पेशेंस रखना है आपको। ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं काफी ज्यादा आपके लिए। फूल हमारे पास यहाँ पे भी है, फूल हमारे पास चाम भी था, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करें वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।